एससी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने का वक्त मांगा है। सीबीएसई ने कहा है कि 4 हफ्तों में परीक्षा कराना संभव नहीं है। अर्जी पर कल सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने एआईपीएमटी परीक्षा को रद्द कर दिया था। 4 हफ्तों में फिर से परीक्षा कराने का निर्देश दिया था। पेपर लीक हो गया था जिसकी वजह से इस परीक्षा को रद्द किया गया था और अब सीबीएसई की ओर से कहा गया है कि 4 हफ्तों में परीक्षा नहीं कराई जा सकती है, 3 महीने का वक्त मांगा है। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, 3 महीने का वक्त मांगा है, अब इस अर्जी पे कल सुनवाई होगी? बिल्कुल तान्या, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट को दोबारा करने को लेकर सीबीएसई ने आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। सीबीएसई की तरफ सॉलिसिटर जनरल रंजीत सिन्हा अपियर हुए थे। उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के भीतर दोबारा परीक्षा कराना संभव नहीं है क्योंकि सीबीएसई को ऐसे 6 से 7 एग्जाम और कराने पड़ते हैं। क्योंकि 6.5 लाख स्टूडेंट के का सवाल है, इसलिए 3 महीने का समय दिया जाए। अब कल देखना होगा जब इस पूरे अर्जी पर सुनवाई होगी तो क्या सीबीएसई को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। बिल्कुल आशीष, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट पेपर लीक हो गया था जिसके बाद इस परीक्षा